हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक सिंपल सा हेयर कट। हेयर कट भी क्या है, ओनली ट्रिमिंग करनी है। और ये छोटी सी बच्ची है जिसका हेयर कट होने जा रहा है और ये स्कूल गोइंग है, तो इसकी मम्मा ने बोला था कि इनका बस ट्रिम ही करना है, ज़्यादा हेयर कट नहीं करना है। तो उस हिसाब से ही, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हमें काम करना होता है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले बच्ची को कटिंग शीट लगा दिया, बालों को अच्छे से कॉम करने के बाद ईयर टू ईयर पार्टिंग की है। और उसके बाद बिल्कुल पीछे के बालों में से बिल्कुल सेंटर से मैं अपनी गाइडलाइन बना रही हूँ। और मैं इनके बालों में स्ट्रेट कट नहीं करके थोड़ी सी शेप दूंगी। डीप यू भी नहीं बोल सकते आप, लेकिन हाँ यू कट जरूर बोल सकते हो। यू कट दूंगी, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी गाइडलाइन बनानी है। और गाइडलाइन कैसे बनेगी, बिल्कुल सेंटर पार्ट में से थोड़े से बाल लीजिए, उसे अच्छे से कॉम करके अपनी फिंगर में कर अपनी क्लाइंट से पूछें कि उन्हें लेंथ कितनी कम करानी है, ठीक है? उसके हिसाब से आप कट कर दीजिए, ठीक है? ये हो गई हमारी गाइडलाइन तैयार। अब क्या करना है, हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग के बाद पीछे बालों को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेंटर वाले और दो साइड वाले पार्ट्स। तो एक साइड में हम जाएंगे अपने क्लाइंट के शोल्डर के पास जाकर, अपने बीच वाली जो गाइडलाइन हमने तैयार की थी उससे थोड़ी सी बाल लेंगे और अपनी फिंगर को थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए यू कट देते हुए चलेंगे, ठीक है? इस तरीके से अगर आप यू कट करेंगे ना, तो आपका दोनों साइड में इक्वल ही यू कट आने वाला है, छोटा बड़ा नहीं आएगा, ठीक है? अगर हम अपनी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए चलेंगे। अब हम आ रहे हैं आगे वाले बालों पर। पहले हम एक साइड का ही कंप्लीट करके दूसरी साइड में चलेंगे। तो आगे जो ईयर टू ईयर वाले पार्ट बाल छोड़े थे ना, उसके दो सेक्शन बन गए, एक इस साइड लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो अब एक साइड में कंप्लीट करके फिर तभी दूसरी साइड जाकर काम करूँगी। तो पीछे वाली गाइडलाइन से बाल लेते हुए मैंने आगे वाले बालों को कट कर दिया, बस उसके साथ मिक्स कर दिया। तो देखिए ये कितना अच्छा सा शेप आ गया है। ठीक इसी तरीके से सेम प्रोसीजर हमें उस साइड भी करना है, ठीक है? और हेयर कट करना ना, अगर हम टेक्निक के साथ करेंगे तो बहुत इजी होता है, मैं आपको बता दूं। अगर हम बहुत सारे सेक्शन बना बना कर काम करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बस अपनी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए चलिए। तो अगर आप ऐसे हेयर कट करेंगे तो कभी भी आपका हेयर कट खराब नहीं होने वाला, इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ, अगर हम गाइडलाइन के साथ काम करेंगे, ठीक है? क्योंकि गाइडलाइन हमें फॉलो करनी है, तो वो हमें गाइड करती है। गाइडलाइन मतलब गाइड करना, तो वो हमें गाइड करती है कितना बाल काटना है, कहाँ से काटना है। तो उससे क्या होता है, जरा भी इधर उधर अनइवन सा हेयर कट नहीं होता है, बहुत ही इजीली हो जाता है। तो ये देखिए, इसी तरीके से मैंने बीच वाले पार्ट से थोड़ा सा बाल लिया गाइड करने के लिए और दूसरी साइड के बालों को भी कट कर दिया। और फिर अब आप देखिए, कॉम करने पर थोड़ा सा बाल बड़ा हुआ आ रहा है, जो नीचे छूट गए थे उसे भी मैं कट कर दूंगी, शेप के साथ ही मिक्स कर दूंगी। तो अब रह गए हमारे आगे वाले बाल, तो उन्हें भी ऐसे ही कट करना है। तो देखिए कितने ईजी तरीके से हेयर कट हो गया, पता भी नहीं चला। तो ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हो। मैं आप लोगों को ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स करा रही हूँ, तो आप लोग वीडियो को एक बार देखिए, दो बार देखिए, और देख करके आप घर बैठे आसानी से सीख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन्हें देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा हेयर कट हो गया और शेप भी दोनों साइड में कितनी अच्छी सी इक्वल आ गई। अब मैं इसे कॉम की हेल्प से ही शेप दे दूँगी, कुछ भी ड्रायर वगैरह नहीं लगाऊँगी। और बहुत अच्छा लग रहा था इनका हेयर कटने के बाद, जितना भी नीचे का रफ रफ था वो सब ख़त्म हो गया था, निकल गया था, और बाल भी ज़्यादा नहीं कटे थे। तो ये देखिए आप, ये आया इनका फाइनल लुक। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। फिर मिलेंगे, बाय बाय।